नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस पर खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूं। किसान बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। यूपी के किसानों की अधिकार यात्रा में आया नया पेज, अधिकारियों के साथ किसानों की बातचीत रही बेनतीजा। 21 सितंबर को दिल्ली जाने पर अड़े किसान। यूपी के बुंदेलखंड में किसानों की खुदकुशी जारी। झांसी में एक और किसान ने की खुदकुशी। आवारा जानवरों ने चौपट कर डाली थी किसान की फसल। बिहार के कटिहार में सामने आई स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। धूल फांक रही करोड़ों रुपए की दवाएं, जिम्मेदारों ने जगह की कमी बताकर झाड़ा पल्ला। और आपको दिखाएंगे कि महाराष्ट्र के बुलढाणा में 9 साल बाद मिला इंसाफ। किसानों को मुआवजे में मिली डीएम दफ्तर से कुर्सी और कंप्यूटर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया था आदेश। अर्थव्यवस्था में सुस्ती दूर करने और कारोबारी गतिविधियां बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार रोज रोज नए नए ऐलान कर रही है। शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंपनियों और कारोबारियों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। गुरुवार को भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई ऐलान किए थे। इसमें आने वाले त्योहारी मौसम को देखते हुए बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी NBFC और आवास वित्त कंपनियों यानी HFC होम फाइनेंस कंपनी से कर्ज बढ़ाने पर ध्यान देने को कहा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले कुछ दिनों में देश भर के 400 जिलों में लोन मेला लगाया जाएगा, जहां प्राथमिकता राम RAM यानी रिटेल एग्रीकल्चर यानी कृषि और MSME यानी छोटे उद्यमियों को कर्ज मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए बैंक, NBFC और होम फाइनेंस कंपनीज खुली बैठ के कर मकान, वाहन और कृषि के लिए किसानों को कर्ज उपलब्ध कराएंगे। अधिकारियों ने बताया कि इसे अलग अलग चरणों में यानी 200-200 जिलों में लागू किया जाएगा। कर्ज देने का पहला चरण 3 से 7 अक्टूबर 2019 तक और दूसरा चरण 11 अक्टूबर से अगले कुछ दिनों तक चलेगा। RAM कैटेगरी which is the retail, they can belong to agriculture, which means farmers. They can also belong to MSME sector. We are also adding those who want loans for houses, those who want vehicle loans also to come there. So the range can be anything, SHGs, Mudra, vehicle loans, house loans, MSMEs, any FPOs, any of them can come there. तो सरकार भले ही किसानों के लिए लोन मेला लगाने की बात कर रही हो, लेकिन किसान नेता सरकार की बात से इत्तेफाक नहीं रखते। किसान नेताओं के मुताबिक इससे किसान और ज्यादा कर्ज के दलदल में फंस जाएंगे। उनका कहना है कि किसानों को उनकी फसलों की सही कीमत देकर ही अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारा जा सकता है। कर्ज से किसी परिवार को उबारा नहीं जा सकता। कर्ज दे के उसको कीमतें चाहिए, कर्ज नहीं कीमतें चाहिए। जितना कर्ज किसान को मिलेगा उतना दलदल में फंसेगा, उतना क्राइसिस में आएगा, उतनी आत्महत्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि आप उसे कर्ज दे रहे हैं, उसकी क्रिय शक्ति बढ़ा नहीं रहे हैं, उसको उसका लागत पे लाभकारी मूल्य दे नहीं रहे हैं। कर्ज को लौटाएगा कहाँ से? नहीं लौटाएगा आपका बैंक, उस पर प्रेशर बनाएगा, प्रेशर बनेगा तो वो आत्महत्या करेगा। आप बात करें, उसकी कीमतें सुनिश्चित करें, लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करके और मंडी में उसके शोषण को रोकें, वो कीमत मिले उसे। तो किसान नेता युद्धवीर सिंह बताते हुए किस तरह ये एक कुचक्र है और जब तक MSP सुनिश्चित नहीं होगी तब तक किसानों को उनका हक नहीं मिल पाएगा। सवाल ये भी है कि किसानों को कर्ज मिलेगा कैसे, जबकि ज्यादातर किसान बैंकिंग सिस्टम से ही बाहर हैं। छोटे किसान अभी भी साहूकारों के जाल में उलझे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। एक समय था जब गरीब को बैंक खाता खुलवाने तक में मुश्किल होती थी। हमने जनधन योजना लाकर देश के 37 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खुलवाए। एक तरफ गरीबों को बैंक से जोड़ने के ये दावे हैं, तो वहीं RBI की समिति की ताजा रिपोर्ट पर ध्यान दें तो गरीब तो छोड़िए किसान तक बैंकिंग सिस्टम से बाहर हैं।
ये बात भारतीय रिजर्व बैंक की एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में कही है। इसके मुताबिक देश के लगभग 60% लघु और सीमांत किसान बैंकिंग सिस्टम से अभी भी बाहर हैं। इतना ही नहीं, इनमें से 30% किसान अभी भी साहूकारों के जाल में उलझे हैं। 2015-16 में दिए गए कर्ज के आंकड़ों के मुताबिक स्मॉल और मार्जिनल कैटेगरी के खातों की संख्या 5.138 करोड़ रही, जबकि एग्रीकल्चर सेंसस के मुताबिक 2015-16 में लघु और सीमांत किसानों की संख्या 12.563 करोड़ थी। ये बताता है कि 7 करोड़ लघु और सीमांत किसान बैंकिंग के दायरे में नहीं आ रहे हैं। लघु सीमांत किसानों के बैंकिंग सिस्टम में शामिल ना हो पाने के पीछे उनका भूमिहीन, बटाईदार या किराए पर जमीन लेकर खेती करना बड़ी वजह है। ऐसे लोग बैंकों से कर्ज लेने के लिए सिक्योरिटी नहीं रख पाते हैं। आरबीआई की समिति ने किसानों को बैंकों से कर्ज दिलाने की व्यवस्था को आसान बनाने का सुझाव दिया है। इसी के जरिए किसानों को साहूकारों के चंगुल से निकाला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और अब बात किसान मजदूर अधिकार यात्रा की। किसान मजदूर अधिकार यात्रा में शामिल यूपी के किसान अभी नोएडा में रुके हुए हैं। अधिकारियों से बातचीत के बाद गतिरोध बना हुआ है। भारतीय किसान संगठन की अगुवाई में इन किसानों ने 11 सितंबर को अपनी ये यात्रा शुरू की थी। किसानों ने अपनी 15 सूत्री मांगों के साथ 21 सितंबर को दिल्ली में किसान घाट पर जुटने का ऐलान किया है। इन किसानों की मांगों में पूर्ण कर्ज माफी, गन्ने का ब्याज समेत बकाया भुगतान, 14 दिन में बकाया भुगतान देने का नियम सख्ती से लागू करने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने और यूपी में बिजली की बढ़ी हुई दरें वापस लेना शामिल है। और इस पर ताजा जानकारी के लिए हम जुड़ जाते हैं, बातचीत करते हैं अपने संवाददाता शशांक पाठक से, जो इस यात्रा को कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं। शशांक, अब क्या है लेटेस्ट अपडेट? क्या पिछली बार बात हुई तो ये पता चला कि बातचीत बेनतीजा रही, अब अधिकारी कौन आया है और इनसे क्या बातचीत हुई, अब आगे का क्या प्लान है? देखिए, कल से जो किसान यात्रा थी इनकी, ये नोएडा में ट्रांसपोर्ट नगर पर रुके हुए हैं। कल से ही किसान यहाँ पर हैं और तब से ही प्रशासन, जो अधिकारी हैं, चाहे मजिस्ट्रेट हों या गृह मंत्रालय के जो अभी अधिकारी आए थे, वो कोशिश ये करते रहे कि किसानों को किसी भी तरीके से मना लिया जाए, उनकी मांगों को किसी भी तरह से ये कहा जाए कि आपकी मांगों पर सरकार ध्यान देगी। लेकिन बड़ी देर से बातचीत चल रही थी, अभी ये फाइनल किया है किसान और किसान नेताओं ने कि उनकी जो यात्रा थी वो दिल्ली तक जाएगी, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो स्पष्ट रूप से ये नहीं समझा पाए इन किसानों को कि उनकी कौन कौन सी मांगों पर वो विचार करवाएंगे सरकार से, या कौन कौन सी मांगों पर सरकार ने उनसे कहा है कि वो मानी जाएंगी। तो अभी फिलहाल जो तय हुआ है वो ये हुआ है कि दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाएंगे। तो जो अधिकारी आ रहे थे दिन भर और कल रात में भी आपसे बातचीत करते रहे, उनसे कुछ हुआ नहीं, सुला नहीं? नहीं, बात तो जो उनसे हो पाई, लेकिन वो सब एक मिट्टी गोली दे रहे, बस बात को चारों तरफ घुमा रहे, संतुष्टिपूर्ण किसी का कोई जवाब नहीं है। बस खाली ये है कि उन्हें बस लॉलीपॉप देगा यहाँ से किसी तरीके से। यहाँ से एक इसमें एक ये भी बात है कि किसानों को, कई किसानों का आरोप ये भी है कि कल रात में जब वो रुके तो 2-3 घंटे के लिए बिजली काट दी गई। अभी किसानों से ये कहा गया कि आप कुछ भी कर लो, हम ट्रैक्टर दिल्ली में नहीं घुसने देंगे, है ना। तो इस तरह से किसानों को कहीं ना कहीं हतोत्साहित भी किया जा रहा है और उन्हें ये भी बताया जा रहा है कि हम आपकी मांगों को सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन ऐसा कुछ अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। और अभी किसानों ने फाइनल डिसीजन लिया है कि वो कल दिल्ली जाएंगे सुबह। जी अनिका जी, शशांक, हम पहले भी आपको सुन रहे थे कि किसानों को ये चीज़ बहुत दिल पर लग रही है कि जब वो अपनी बातें, अपनी आवाज़ बुलंद करने दिल्ली आ रहे हैं तो उनको दिल्ली में आखिर घुसने क्यों नहीं दिया जा रहा है? सरकार को किस बात का डर है? देखिए, ये बड़ा एक सवाल है और बड़ा संवेदनशील सवाल है कि आखिर इन किसानों को दिल्ली में घुसने से सरकार डरती क्यों है। हमने पिछले बार भी, जो मोदी का कार्यकाल था, उसमें भी देखा था कि कई बार किसानों ने कोशिश की, उन्हें दिल्ली गेट पर रोका गया, कभी पानी से बौछार की गई। ये किसान भी जो यात्रा रही है बिल्कुल शांति से यात्रा चलती रही है, सहारनपुर से जो अभी नोएडा में है, किसी भी तरह की रास्ते में किसी तरह की अराजकता या कोई दिक्कत या किसी तरह की हिंसा, ऐसी कोई वारदात किसानों के द्वारा नहीं की गई। फिर भी किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया जाना, आप क्या समझते हैं कि क्यों आप लोगों को दिल्ली आने से सरकार इतना डरती है? चाचा बताइए। दिल्ली वालों ने पहले तो हमारी यात्रा वापस कर दी थी किसानों की बलपूर्वक, मगर अब हम नहीं वापस होंगे, अब कैसे बलपूर्वक हो या कैसे भी हो। आप दिल्ली तो जा रहे हो, कल जा रहे हो दिल्ली, ये फाइनल है।
ठीक है, लेकिन दिल्ली अब कब तक रोकोगे? सरकार लगता है कि बात है आपकी मांगे मानेगी, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होनेगी तब तक दिल्ली में रुकेंगे। और अगर आपके ट्रैक्टरों को नहीं घुसने दिए तो क्या करेंगे? मरेंगे और मारेंगे, मारने के नहीं जाएंगे, ट्रैक्टर साथ रहेंगे हमारे। जब अगर सरकार हमारे ट्रैक्टर, ये है कि किसान ये कह रहे हैं कि किसी भी हालत में वो जाएंगे और मैं देख सकती हूं कि इस बार वहीं बैठ जाएंगे। मतलब आर या पार की लड़ाई का है, वो चाहते हैं कि वहां जाएं और अपनी बातें मनवाने के बाद ही लौटे। लेकिन हमने पिछली बार भी देखा था कि किस तरह से उन पर ज्यादा की गई थी। एक बात और बताइए, ये यूपी की यात्रा है, यूपी से किसान है, अभी जो योगी जी ने अपना 2.5 साल का रिपोर्ट कार्ड सामने रखा, उन्होंने अपने आप को 10 में से 10 शायद मार्क्स दिए हैं, यहाँ पर किसान उनको कितने मार्क्स दे रहे हैं? अभी हमने ये खबर दिखाई कि एक किसान जो है वो आवारा गाय ने उनकी जो फसल है उसे चौपट कर दिया और वो इतने सदमे में थे कि उन्होंने उसकी वजह से आत्महत्या कर ली। अच्छा, आप ये बताइए, अभी हमारे पास एक खबर आई है कि झांसी में, उत्तर प्रदेश में मौठ जो है, वहाँ पर एक किसान की फसल को आवारा जानवरों ने बर्बाद कर दिया और उसने खुदकुशी कर ली। आवारा जानवर उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कितनी बड़ी समस्या है? आज के टाइम की सबसे बड़ी समस्या आवारा जानवरों की है। बिल्कुल, किसान जो है चारों तरफ से मर रहा, सरकार मार रही, चाहे वो बिजली का बिल बढ़ा गया, चाहे वो तेल का पैसे बढ़ा गए, और ऊपर से जो आवारा पशु है फसल बिल्कुल तहस नहस कर दी, कुछ नहीं हो पा रहा। अभी तक जो हमारे पास खबरें आती थी वही आती थी कि आवारा जानवरों की वजह से इतनी फसल बर्बाद हो गई, अब इतनी कंडीशन खराब है, इतनी चिंताजनक है कि अब किसान खुदकुशी कर रहा है। हाँ जरूर, किसान खुदकुशी कर रहा है। पहली बात तो किसान वैसे कर्जे में डूबा हुआ, इन सरकारों ने डूबा दिया, इनकी गलत नीतियों ने किसान को जो है इसे कर्जे में दाब दिया, फिर इसे जो है आवारा पशुओं ने इतना तंग कर दिया कि उसकी सारी फसल चर दी, वो क्या करेगा? आत्महत्या नहीं करेगा तो और क्या उसके पास में क्या बचा? आप कल जो है योगी आदित्यनाथ सरकार को 2.5 साल हुए थे तो योगी आदित्यनाथ ने अपनी तमाम योजनाएं बताई थी, तो कहा था कि 10 में से 10 नंबर है उनके। किसान 10 में से कितने नंबर देते हैं किसानों को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार को? हम तो 0 दे हैं जी। जी शशांक, तो हम सुन सकते हैं कि किस तरह से किसान जो है अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और यूपी की योगीनाथ सरकार भले ही लाख दावे करे, अपना रिपोर्ट कार्ड एकदम साफ सुथरा सामने पेश करने की बात करे, मगर कहीं ना कहीं खामियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं और जो किसान झेल रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपने 2.5 साल के कार्यकाल पूरा होने पर किसानों के लिए उठाए कदम गिना रहे हैं, वहीं जमीनी हकीकत यह है कि कर्ज के बोझ के बाद अब बुंदेलखंड के किसान आवारा जानवरों से परेशान होकर खुदकुशी करने को मजबूर हो गए हैं। झांसी जिले के मोंठ थाना क्षेत्र के किसान रघुवीर ने पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों की माने तो रघुवीर ने इस बार अपने 4 बीघे खेत में तिल और उड़द बोई थी जिसे आवारा जानवर चट कर गए, इसी को लेकर वो काफी परेशान थे, सदमे में थे। हालांकि अब अधिकारी पूरे मामले की जांच कराने की बात कर रहे हैं, इससे आवारा जानवरों को गौशालाओं में रखने और किसानों को नुकसान से बचाने के योगी सरकार के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। बताया कि वहां जानवरों ने खेत चल लिया और उसी गम में इन्हें जो फांसी लगा ली। भले ही उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार किसानों की कर्ज माफी के दावे करे, लेकिन किसान नेता सरकार की बात से इत्तेफाक नहीं रखते। किसानों की आत्महत्या तो चाहे बुंदेलखंड हो या आलू किसान हो या अन्य किसान हो, कहीं ना कहीं किसानों की आत्महत्या तो हो रही है, क्योंकि किसानों को अपनी फसल का जो है वो सही दाम नहीं मिल पा रहा है और कर्ज माफी भी इसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि सही दाम ना मिलने की वजह से किसान कर्ज में चला जा रहा है और उसके बाद वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है और कर्ज माफी का वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। महाराष्ट्र के बुलढाणा में किसान जमीन मुआवजे के तौर पर जिला अधिकारी की कुर्सी, कंप्यूटर और प्रिंटर उठा कर ले गए। जी सही सुना आपने, किसानों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के बाद ये कदम उठाया। दरअसल साल 2000 में जिला परिषद के सिंचाई विभाग ने तालाब बनाने के लिए किसानों से जमीन ली थी। जमीन के लिए जो मुआवजा दिया गया किसानों को वो कम लगा। किसानों ने कई बार
से बढ़ाकर मुआवजा दिए जाने की मांग भी की। जब किसानों की ये बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने 2010 में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। 2018 में अदालत ने किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने के आदेश दिए, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी जब किसानों को मुआवजा नहीं मिला तो इस बार कोर्ट ने जिलाधिकारी कार्यालय का सामान जब्त करने का आदेश दे दिया। अदालत के फैसले के मुताबिक किसान जिलाधिकारी कार्यालय से ये सामान उठाकर ले गए। भूसंपादन अधिकारी ने अभी तक हमारा मुबदला नहीं दिया, इसलिए हम आज कोर्ट के आदेश के अनुसार कलेक्टर साहब की कुर्सी जब्त करने के वास्ते आए थे। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने कृषि उद्यानिकी और वनों सहित हैंडलूम उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार दिलाने के लिए 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में कृषि विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और विभिन्न जिलों के स्वयं सहायता समूहों ने अपने उत्पादों को सामने रखा है। इसमें छत्तीसगढ़ का धान, लाल चावल, काला चावल, ऑर्गेनिक विष्णु भोग चावल, कोदो, कुटकी जैसे चावल और दूसरे फल सब्जियां शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के कृषि और हैंडलूम उत्पादों को बाजार दिलाने के लिए सरकार और कंपनियों के बीच अब तक 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस सम्मेलन के तीसरे दिन यानी 22 सितंबर को इस प्रदर्शनी को आम जनता के लिए भी खोला जाएगा। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खेती किसानी से जुड़ी कुछ और अहम खबरें, आप देखते रहिए किसान बुलेटिन। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काली ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है, यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। स्नेक बाइट यानी सांप का काटना देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए चुनौती है। दुनिया में सांपों के काटने से जहां सालाना 1,38,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, वहीं 4,00,000 लोग शारीरिक अपंगता के शिकार हो जाते हैं। भारत में सांप काटने से मरने वालों का आंकड़ा कम नहीं है। यहां भी हर साल 50,000 लोग सांप काटने से अपनी जान गंवा रहे हैं, जिनमें 90% डेथ्स खासतौर से 4 सांपों के काटने से होती हैं। ये हैं कॉमन क्रेट, कोबरा, रिजल्स वाइपर और स्केल्ड यानी धारी वाला वाइपर। इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए बाकायदा पूरी दुनिया में इंटरनेशनल स्नेक बाइट अवेयरनेस डे यानी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं प्रियंका कदम जी, जो कि लोगों को स्नेक बाइट के जोखिम से बचने के लिए जागरूक करने में जुटी हुई हैं। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये बताएं कि जब हम खास तौर से गांव की बात करें तो यहाँ कितनी बड़ी समस्या है स्नेक बाइट्स को लेकर? थैंक यू। एक्चुअली स्नेक बाइट जो है गांव में बहुत बड़ा ये समस्या है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जब जो किसान खेत में जाते हैं या जो लकड़ी चुनने गए सिर्फ उन्हीं के साथ सरपंच होता है। 50% टाइम आप देखेंगे तो स्नेक बाइट है वो घर के अंदर होता है लोगों को, और उसका कारण, मुख्य कारण यही है कि जो चूहों का जो आबादी है वो हमारे घर के अंदर भी चूहे पाए जाते हैं, हमारे घर के आसपास भी हम कूड़ा फेंकते हैं, ओपन गार्बेज जो है डंपिंग वो होता है, और वो सब के कारण चूहों का जो आबादी है। तो यानी ऐसे में क्या एहतियात बरतने चाहिए? तो देखिए,
आप अगर चूहा का पॉपुलेशन कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली सांप आपके घर के अंदर नहीं आएगा या आपकी इर्द गिर्द नहीं आएगा। खेतों में भी चूहे पाए जाते हैं इसलिए खेत में सांप रहता है जी। तो एक तो उसका आबादी कम करें, दूसरा है कि छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स अगर आप अख्तियार करेंगे, जैसे कि कहीं पर आप हाथ या पैर डालने के पहले आप जरा देख लो कि वहां पर क्या है। दूसरा जो जब अंधेरा हो जाता है सूर्यास्त के बाद आप टॉर्च यूज करें। आप खास तौर से जब रेनी सीजन में बारिश के दिनों में आप शूज पहन करके निकलें, जो बंद पैर वाला जो शूज है। और आप प्रियंका ये बताएं कि जब गांव में अगर कोई स्नेक बाइट किसी को हो जाती है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्योंकि गांव में खासतौर से जानकारी का अभाव होता है, लोग झाड़ फूंक कराने पहुंच जाते हैं और इतना शायद कई बार समय भी नहीं होता जी। तो सबसे पहले तो जो पीड़ित है उसको आप स्थिर कर दीजिए, वो बिल्कुल हाथ पैर ना हिलाए, वो एक जगह पे उसको बिठा दो आप, और आप जल्दी से एम्बुलेंस को फोन कीजिए, उसको जितना जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल ले जाना है। और रोगी जो है उसको आप उठा करके, उसको पैदल नहीं उसको चलना है, उसको उठा करके और जिस भी जगह पे उसको बाइट हुआ है बिल्कुल, तो जल्द से जल्द डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर पर ले जाना है। एक और बात, जब बाइट होती है तो उसके ऊपर लोग बांध देते हैं टाइटली, वो करना चाहिए या नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो जो है वो बिल्कुल गलत है तरीका, वो हम सबको स्कूल में सिखाया गया है लेकिन वो गलत तरीका है। ना तो बांधना चाहिए, ना उसको जहाँ पर बाइट हुआ है वहाँ पर काटना भी नहीं चाहिए, ना उसको चूसना चाहिए। ये बॉलीवुड फिल्म में दिखाते हैं हमेशा, लेकिन वो सब सब गलत है। और आपको कोई भी तरह का इस तरह का फर्स्ट एड नहीं करना है, सीधे आप हॉस्पिटल लेके जाइए। वहाँ पर जो जहाँ पर बाइट हुआ है उसको धोना भी नहीं है जी, आपको बस उठा करके उसको लेकर के जाओ आप। और बाइट के एक घंटे के अंदर अगर इलाज शुरू हो जाता है तो रिकवरी फैक्टर है वो रोगी का बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच प्रियंका इस अहम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो प्रियंका बताते हुए कि किस तरह से खास तौर से गांव में जो लोग झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं वो ना करें, और तुरंत जो डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर है हॉस्पिटल वहां जाकर तुरंत इसका इलाज करवाएं। दवाएं बीमारों की जेब ढीली कर रही हैं, लेकिन जिंदगी को बचा सकने वाली दवाएं अस्पतालों में धूल फांक रही हैं। देखिए स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को बयां करने वाली बिहार के कटिहार से ये रिपोर्ट। एक तरफ बर्बाद होती दवाएं और दूसरी तरफ दवाओं के लिए तरसते लोग। दवाई तो समझिए 70% बाहर से खरीदना पड़ेगा, एक ठो दवाई दिया तीन ठो बाहर से खरीदना। दवा वगैरह नहीं मिलती, कहाँ दे रहा है, ढंग से जो है देवे नहीं कर रहा है। क्या बोलता है दवा मांगने को? है ये नहीं, स्टॉके में नहीं है। अधूरी पड़ी इमारत में धूल फांकती दवाओं की ये तस्वीरें हैं बिहार में कटिहार के जिला अस्पताल की। ये न केवल अस्पताल के इंतजाम बल्कि दवाओं के रखरखाव की सच्चाई बयां कर रही हैं। बुखार मलेरिया समेत कई बीमारियों के इलाज में काम आने वाली करोड़ों रुपए की दवाएं हैं। इनमें कुछ दवाएं ऐसी भी हैं जिनके बिक्री और इस्तेमाल पर सरकार ने रोक लगा रखी है। कफ सिरप मेरा जो लिस्ट मिला है एथी का दवा का एसेंशियल ड्रग लिस्ट, उसमें कफ सिरप नहीं है, निकाल दिया गया। कितना दिन पहले से बैंडेड? बैंडेड तो आपको लगता है कि करीब 8 महीना पहले किया गया है। जिन दवाओं को कम टेम्परेचर पर रखा जाना चाहिए वो भी ऐसे ही खुले में पड़ी हैं, लेकिन जिम्मेदार स्टोर की कमी का हवाला दे रहे हैं और दवाओं को इस तरह से रखने पर क्वालिटी गिरने से इनकार कर रहे हैं। उसमें कुछ दवा का कार्टून फट गया, जो कुछ दवा वहाँ पर बिखर गई, जो उसको इन लोगों को उठा लेना चाहिए था, उठाया नहीं। और ये बात तो है कि अंदर में स्टोर में जगह नहीं की, बहुत कमी है, इसलिए वो वहाँ पर रखा गया। इलाज के लिए ज्यादातर लोग जिला अस्पताल और यहाँ से मिलने वाली दवाओं पर निर्भर हैं। ऐसे में दवाओं की कमजोर क्वालिटी उनकी सेहत संवारने के बजाय उसे बिगाड़ने का काम कर सकती है। बिहार के कटिहार से असदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और चलते चलते मध्य प्रदेश से ये रिपोर्ट। रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले जंगली पौधों के खत्म होने की समस्या किसी से छिपी नहीं है। ऐसा ही एक पौधा है छींदी।
इसकी उपयोगिता को देखते हुए मध्य प्रदेश के आदिवासी विकास विभाग ने इसे बचाने की बेहद खास पहल की है। देखिए ये बेहद खास रिपोर्ट। इन बोलों को गौर से सुनिए। इनमें ये छात्राएं जंगली फलों और पौधों के फायदों को अपने इस गाने के जरिए बता रही हैं। ये छात्राएं मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के शासकीय कन्या विद्यालय की हैं, जो एजुकेशन टूर पर ग्रामीण इलाकों में आई हैं। यहाँ की छिंदी पौधे से उपयोगी सामान बनाने का हुनर सीखने आई हैं। घर बनाने से पहले छिंदी का ही इस्तेमाल हुआ था। अब जो जैसे जंगलों के वैसे सब विलुप्त होते जा रहा, इस छिंदी के विकास को बढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में यह हो रहा। यहाँ पर जो हमें लोग मिले हैं, हम उनसे बातचीत करें, हमें ऐसा एहसास हुआ कि मतलब कि इसमें जो बहुत सारे औषधीय गुण हैं, उन्हें हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। खजूर जैसे दिखने वाले इस पौधे को स्थानीय भाषा में छिंदी कहा जाता है। आदिवासी समाज इससे रस्सी, झाड़ू और झोपड़ी बनाने जैसे काम में बाखूबी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आदिवासियों की आय का स्रोत रहा ये पौधा तेजी से खत्म हो रहा है। इससे निपटने के लिए आदिवासी विकास विभाग ने अपने स्कूलों में छिंदी के पौधे लगाने के साथ साथ छात्रों को इससे जोड़ने की पहल की है। एक लंबे समय से छिंदी का सिर्फ दोहन हुआ है, संरक्षण की बात उसमें नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि समाज और सरकार दोनों का ध्यान इस हो रहा है कि छिंदी का संरक्षण हो, उसका प्लांटेशन हो। हम किसानों से भी बात करना चाहते हैं कि जो जगह खाली है उनके खेत में, मेड़ में, वहाँ वो छिंदी का अच्छे से रोपण करें। क्रियाकलापों और इनोवेशन के जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। कन्या परिसर का ये प्रयास निश्चित ही उनके लिए उपयोगी होगा, शैक्षणिक विकास के लिए। आदिवासी विकास विभाग का यह प्रयास छिंदी को तो बचाएगा ही, साथ ही बच्चों को किताबी ज्ञान से हटकर व्यवहारिक जानकारी भी देगा, जो इन्हें हुनरमंद बनाने में मददगार साबित होगा। मध्य प्रदेश के उमरिया से अरुण कुमार त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।